के पिता धन्यवाद देते हैं कि पूरी हफ्ता भर हम सबों को भला चंगा रखे हैं, स्वस्थ रखे हैं, हर प्रकार की बुरी परीक्षाओं से बचाए रखे हैं, हर एक काम काज पर आशीष दिए हैं, अगुवाई किए हैं और इस सुंदर फिर से हमें इस सबत के शुरुआत में ले आए हैं, इस सुंदर समय दिए हैं कि हम सब यहाँ एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं और आपकी स्तुति महिमा कर सकते हैं। अभी जो कुछ भी हम वचन में से सुनाएंगे, हमें आशीष दे कि हम सही से बोल पाएँ और सब समझ सकें और आपकी महिमा कर सकें। प्रार्थना करते हैं पिता, जो नहीं आ पाए हैं उनके साथ भी हो, उन्हें भी कल आने के लिए उन्हें आशीष दे के आ पाएँ, और जो बीमार में है, तकलीफ में है, उन्हें भी चंगाई प्रदान करें ताकि स्वस्थ हो सकें और आकर आपके भवन में आपके स्तुति महिमा कर सकें। क्या प्रार्थना करें पिता, सब कुछ जानते हैं, हमारे पाप गुनाहों को क्षमा करें। इस छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। बैठ जाएंगे। आज मैं एक कहानी चुनी हूँ, वो मिलता है पवित्र शास्त्र में नया नियम से, लुका रचित सुसमाचार में, लुका रचित सुसमाचार का 7वां अध्याय चैप्टर 7 में मिलता है। यहाँ स्टोरी दिया गया है 1 से 10 तक में, ये कहानी है यहाँ दिया हुआ है। एक सूबेदार का विश्वास। हम लोग विश्वास के बारे बहुत सुनते हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो लोगों को चंगाई करते थे और लोगों को कहानियाँ सुनाया करते थे, और कई घटनाएँ यीशु मसीह के बारे में दिया गया है जो यीशु मसीह जो कहानी सुनाते थे, लोगों को सिखाते थे। इन घटनाओं के द्वारा हम ये जान पाते हैं कि यीशु मसीह लोगों की परवाह करते थे, चिंता करते थे। तो यहाँ भी एक कहानी है जो दिया हुआ है, एक सूबेदार का विश्वास। जब यहाँ पर बोलते हैं कि जब वह लोगों से सारी बातें कह चुका, यीशु मसीह बातें कर चुके, लोगों से बातचीत करते थे, उनको चंगाई करते थे, और जब कहना हो चुका था तब वो कफरनहूम में आए और वहाँ किसी सूबेदार, ये सूबेदार जो है उसी के बारे में कहानी है यहाँ पर कि उसका विश्वास किस तरह का था। यहाँ सूबेदार था जो उसका एक दास था, जो वो बहुत प्रिय था, उसका एक दास था बहुत प्रिय था, और वो बीमार था, बहुत बीमार था कि वो इतना ज़्यादा बीमार था कि वो मरने पर था। यहाँ बाइबल कहती है कि मरने पर था। उसने यीशु की चर्चा सुनी थी, जो सूबेदार है ये यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुने थे कि वो यीशु मसीह लोगों को चंगा करते हैं, और वो भी विश्वास था कि उनको भी, और वहाँ जो थे यहूदिया के बोलते हैं कई पुरानी थे, वहाँ पर पुराने लोग जो थे उनसे विनती करते हैं, उनसे कहते हैं पुरानियों को उससे यह विनती करने को उसके पास भेजा, विनती करने के लिए यीशु मसीह के पास भेजते हैं कि जाकर क्या करो, यीशु मसीह से विनती करो कि वो आकर क्या करें, मेरे दास को चंगा करें। उनका जो दास था वो बहुत बीमार था और वो मरने पर था, इसलिए पुरानियों से कह कर वो भेजते हैं कि यीशु मसीह से क्या करो, विनती करो ताकि वो आकर उसके दास को क्या करें, चंगा करें। वे यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। ये जो पुरानिये थे इनको, वो यीशु मसीह के पास जाते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं कि वो सूबेदार जो है इस योग्य है कि आप उसके लिए यह करें, कि उसके क्या जो सेवक है बीमार में तकलीफ में पड़ा है उसकी क्या करें, चंगा करें, इस योग्य है कहते हैं। यहाँ कहता है आगे, क्या वह हमारी जाति से प्रेम रखता है, क्योंकि वो क्या करता है, हमारी जाति यहूदी जाति से क्या करता है, प्रेम रखता है, और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। यीशु मसीह से कह रहे हैं उन लोग, यीशु ने उनके साथ गया, पर जब वह घर से दूर ना था, यहाँ कहता है कि यीशु मसीह जब ये खबर सुनते हैं, उनका विनती सुनते हैं और
तब यीशु मसीह निकले ही थे, घर से थोड़ी दूर गए ही थे, और फिर सूबेदार अपने मित्रों को भेजते हैं। सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा कि यीशु मसीह को क्या है, आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बोलता है, कहला भेजते हैं, हे प्रभु दुख ना उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। ये सूबेदार जो है कहता है कि उनको कहला भेजते हैं कि यीशु मसीह से कहो कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि वो यीशु मसीह जो है हमारे छत तले आए। और वो यीशु मसीह के पास नहीं गए, क्योंकि वो भी अपने आप को उस योग्य नहीं समझे कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊं। और वो कहते हैं यहाँ पर, आगे कहता है यहाँ पर वचन में, और जब यहाँ कहता है मैं भी, यहाँ कहता है कि पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। वो भी क्या था, किसी के अधीन में था, जो काम करवाता था, जो कहता था कि जाओ, जिसको कहता था जाने के लिए वो जाता था, और जिसको आने के लिए कहता था वो आता था, और जिसको काम करो करता था वो करता था, उसका हुक्म मानता था। इसलिए वो सोचने लगा कि यीशु मसीह के पास मैं कैसे जाऊं, मैं उस योग्य नहीं हूं कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊं। और यहाँ आगे कहता है यीशु मसीह, यहाँ पर क्या करते हैं, अचंभा करते हैं। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा। यीशु मसीह को अचंभा होता है, क्योंकि यह सूबेदार जो था ये हमारी यहूदी जातियों में से नहीं था, ये अन्य जातियों में से था। इसलिए यीशु मसीह को अचंभा होता है, क्योंकि यहाँ पूरे इज़राइल में भी ऐसा विश्वास यीशु मसीह ने नहीं देखा था, जब यीशु मसीह वहाँ साथ रहते थे लोगों के और उनके आगे पीछे सब लोग घूमते थे, फिर भी ऐसा विश्वास यीशु मसीह ने नहीं देखे थे। और इसलिए वो फिर उनके तरफ मुँह फेर करके कहते हैं कि पूरे इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया, और भेजे हुए लोग ने घर लौटकर उस दास को क्या पाया, चंगा पाया। उस सूबेदार का विश्वास इतना था कि जब भेजे गए थे यीशु मसीह के पास कि यीशु मसीह को बुला के ले आएं और उसका दास को चंगा करें, लेकिन यीशु मसीह के जाने से पहले ही वो फिर से भेज देते हैं और मित्रों को कि उनको दुख ना दें, ताकि वो क्या करें, वो वचन ही कह दें, मुंह से वचन ही बोल दें, ताकि दास क्या हो जाए, चंगा हो जाए। उनको इतना विश्वास था कि जब यीशु मसीह बोलेंगे मुंह से, जो भी वचन दे बोलेंगे वो क्या होगा, उनके लिए होगा। तो हम इस कहानी से यही बताना चाहते हैं कि हम लोग तो एडवेंटिस्ट हैं, चुने हुए लोग हैं, इसराइली डिसेंडेंट बोलने से वंशज है, शुरू से जो कि धर्म को मानते आ रहे हैं हम लोग, क्रिश्चियनिटी को, बाइबल का ज्ञान हम लोग मानते आ रहे हैं। तो हम लोग का भी विश्वास इस तरह होना चाहिए जिस तरह ये सूबेदार जो था वो अन्य जाति में से था, लेकिन उसका विश्वास इतना था कि यीशु मसीह को कष्ट नहीं दिए, और वो यीशु मसीह के पास जाने के लिए अपने आप को योग्य भी नहीं समझे, फिर भी यीशु मसीह से कहते हैं कि आप वचन ही कह दीजिए और मेरा सेवक जो है क्या होगा, चंगा हो जाएगा। तो हम लोगों का भी विश्वास जो है ऐसे ही होना चाहिए इस सूबेदार की तरह, ताकि हम सब भी ये वचन जब हम पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, हम यही आशा करके करते हैं कि जो हम विश्वास हमारे में है तो इस विश्वास के द्वारा, इस विश्वास के अनुसार हमारे लिए हो। यही हमारा संदेश है।